साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की पोल खुल गई। वर्ल्ड कप के पहले दो मुकाबले में तो मिडिल ऑर्डर ने भारतीय टीम की लाज बचा ली थी, लेकिन अफ्रीका के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाजों का संघर्ष देखने को मिला। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य कुमार यादव के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिकने को तैयार ही नहीं है। हालांकि सूर्या की 68 रन की ताबड़तोड़ पारी के बदौलत टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई, लेकिन जीत के लिए यह स्कोर भी भारतीय टीम को कम पड़ा। अफ्रीका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंद पर 68 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 सिक्स लगाए और टीम इंडिया को 133 के टोटल तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव ने कैसे भारतीय टीम की लाज बचाई, अब वो समझिए। स्काई ने 40 गेंद पर 68 रन बनाए, जबकि दूसरे भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 80 गेंद पर सिर्फ 57 रन बनाए। सिर्फ इस मुकाबले में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम तीन ही बल्लेबाजों पर निर्भर दिख रही है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर ही पूरे भारतीय बैटिंग लाइनअप का प्रेशर है। इन्हीं तीनों की वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भी देख रही है। विराट ने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की, तो वही सूर्य कुमार यादव ने नीदरलैंड्स और अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की लाज बचाई। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ अहम पारी खेली थी। इन तीनों के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज अपना छाप छोड़ने में नाकाम रहा है। कप्तान रोहित शर्मा ने नीदरलैंड के खिलाफ रन तो बनाए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी धीमी पारी खेली कि वो पारी उन्हें खुद भी पसंद नहीं आई। रोहित के साथी केएल राहुल का तो क्या ही कहना, वो तो फॉर्म से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। ना अच्छे शॉट लगा पा रहे हैं, ना ही बॉल को पढ़ पा रहे हैं। यही स्थिति भारतीय टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर की भी है। ना ही दिनेश कार्तिक ऑस्ट्रेलिया में सेट हो पा रहे हैं, ना ही अश्विन मुश्किल स्थिति में टीम के साथ खड़े हो पा रहे हैं। साथ ही अक्षर की जगह आए दीपक हुड्डा भी पहले मौके में फ्लॉप साबित हुए। अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का खिताब जीतना है तो बल्लेबाजों को जल्द ही फॉर्म में लौटना होगा, क्योंकि अगर नॉकआउट मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का यही प्रदर्शन रहा तो भारतीय टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में तब्दील नहीं हो पाएगा।